बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनामिर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट छोले का पुलाव। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिया, हमने हाफ कप के करीब ऑयल लिया, ये इसमें ऐड करेंगे। इसको गरम करेंगे, ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज हमने बारीक काट के रखी हुई है, उसको ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन कलर देंगे। प्याज का अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, दो तेज़पत्ते डालेंगे। इसके अलावा ज़ीरा लिया हमने हाफ टी स्पून के करीब, लौंगे लिए हमने 5 से 6, दालचीनी की स्टिक लिए 2 छोटी। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है काली मिर्च लिए 6 से 7, एक बादियान का फूल लिया है, काली एक हरी एक काली इलायची लिए और 2 हरी इलायची लिए, और इन सबको डाल देंगे इसमें। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून के करीब। इसको अच्छे से भूनेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर कट करके रखा हुआ वो ऐड करेंगे। दही लिया 1 प्याली के करीब, वो ऐड कर देंगे इसमें। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब, कम या ज़्यादा आप नमक अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कूटी मिर्ची जाएंगी 1 टीस्पून के करीब, हरी मिर्च जाएंगी 10 से 12 छोटी वाली तेज़। इसके अलावा यहाँ पे हमने इमली ली है 8 से 10 दाने इमली के, वो ऐड कर देंगे इसमें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है बहुत। अब इसको तेज़ आँच से भूनेंगे अच्छे से। मसाला अच्छे से भून रहा है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जायफल जावित्री हमने पीस के रखी थी वो ऐड करेंगे, और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना वो ऐड कर देंगे इसमें। और तकरीबन 2.5 कप हमने बॉइल्ड छोले लिए हैं वाइट, वो ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। मसाला अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पर हमने 2 कप चावल लिए थे और इनको 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रख दिया था, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी ऐड करेंगे, तकरीबन ये अभी मैंने 3 कप पानी ऐड किया इसमें, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे बस। अब हम इसे तेज़ आंच पे उबाल लेंगे ताकि पानी जो है वो कम हो जाए। यहाँ पर आप नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, नमक थोड़ा खुलता हुआ होना चाहिए। ये देखें चावलों में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, ये देखें चावलों का पानी बिल्कुल कम हो गया। अब हम इसे दम पर लगाएंगे सीधा तवा रखकर, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम तेज़ आँच करेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। चावलों को 10 मिनट हो गए दम पर रखे हुए। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से केवड़ा वाटर में जर्दे का रंग ऐड किया है और वो इसमें डाल देंगे और इसे फिर दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें 10 मिनट हो गए, बस हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारी मज़ेदार किस्म की चने की बिरयानी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खुदा हाफिज़।